हिंदी काव्यखंड पाठ दो पदावली मीराबाई की व्याख्या। सो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से कोई एक ना एक पदावली ज़रूर आती है, तो आप इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इन सभी पदावली के लिए संदर्भ में आपको सबसे पहले बता दूं, संदर्भ में आप क्या लिखेंगे। तो संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पदावली, ये सारे मीराबाई के ये सारे पद हैं, इसलिए प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड से पदावली शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। यह श्री कृष्ण की एक उपासिका मीराबाई द्वारा रचित काव्य मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। तो चलिए पहले पहली पदावली से स्टार्ट करते हैं और इसके प्रसंग में जब तक आप इसकी व्याख्या आपको नहीं आएंगी तब तक आप इसके प्रसंग नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसके बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके प्रसंग लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बसल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, नयनन में यानी कि नयनों में, नेत्रों में, आँखों में, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, आप मेरी आँखों में बस जाओ। बसो मेरे नयनन में यानी कि मेरे नयनों में, मेरे नेत्रों में, मेरे आँखों में बस जाओ हे नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, मुकुट कहाँ पर विराजमान होता है? सिर पर। तो आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट और कानों में कुंडल, कानों में ही लगाए जाते हैं, मकराकृत, मकर प्लस आकृत, मकर यानी कि मछली और आकृत यानी कि आकृति के, यानी कि मछली के, मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, भाल यानी कि मस्तक पर सुंदर लाल तिलक, अरुण यानी कि लाल होता है, लाल तिलक यानी कि आपके माथे पर लाल तिलक से शोभित होने वाली यह छवि मेरे प्राणों में वास करती है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोहनी मूरत, हे कृष्ण, आपकी यह सांवली सलोनी सूरत मन को मोहने वाली है और आपके ये जो विशाल नेत्र हैं और अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। और अधर सुधारस, अधर यानी कि मुख या होंठ, यानी कि सुधा यानी कि अमृत, अमृत रस से भरे सुंदर होंठ और इन होंठों पर विराजित मुरली या बांसुरी आपकी शोभा को और बढ़ा रही है, राजत यानी कि बढ़ा रही है। और यानी कि वक्षस्थल पर, हृदय पर बैजंती माल, बैजंती माला, श्री कृष्ण के हृदय पर वन के पुष्प और पत्रों से निर्मित बैजंती की माला अत्यंत सुशोभित हो रही है, राजत यानी कि सुशोभित होना। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका यानी कि छोटी छोटी घंटियां। कटीतट, कटीतट यानी कि कमर के किनारे पर बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां शोभित यानी कि सुशोभित हो रही हैं। नुपुर छबद रसाल, सबद यानी कि शब्द होता है और नुपुर पैरों में बंधी जाती है, तो इसलिए आपके पैरों में बंधे घुंघरों की आवाज, सबद यानी कि आवाज ध्वनि सुनने में रसाल यानी कि मधुर प्रतीत हो रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। मीरा कहती हैं, मीरा प्रभु, मीरा प्रभु यानी कि भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप संतन सुखदाई, संतन यानी कि सज्जनों को सुख देने वाले हैं, और भगत बचल, भगत बचल यानी कि
और बचल यानी कि वत्सल। वत्सल यानी कि प्रेम भाव रखना, और भक्तों से प्रेम भाव रखने वाले हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं आप। हे गोपाल, आप मेरे नैनों में आकर बस जाओ। तो ये थी इस पहले पदावली की व्याख्या। अब इसकी देख लेते हैं प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण जो उनके प्रभु हैं, उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने नयनों और मन में बसे रहने का अनुरोध करती हैं। यहाँ पर देखिए, नयनों में बस जाएं, तो नयनों में बस जाने का अनुरोध कर रही हैं। और यहाँ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का भी वर्णन इसमें किया हुआ है। देखिए उनके नैना कैसे हैं, उनके मुकुट कैसे हैं, उनके कुंडल कैसे हैं, उनके तिलक कैसे हैं, तो ये सारे चीज़ इसमें वर्णन किया हुआ है मीरा ने। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य की। इसमें भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। तो मीरा राजस्थान की थी, तो मीरा ने इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग इसमें किया है। शैली इसमें मुक्तक काव्य पद शैली है। गुण माधुरी एवं प्रसाद रस है इसमें, और रस इसमें भक्ति और शांत रस है। इसमें भक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए भक्ति रस और शांत रस इसमें प्रयोग हुआ है। छंद इसमें गीतात्मक पद है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा इसमें छंद है, शब्द शक्ति है। और इसमें अलंकार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली पदावली के साथ यहाँ पर मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आगे के वीडियो में मैं दूसरी पदावली से स्टार्ट करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें और आप हमें अपनी राय बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।